आज के वीडियो में हम करने वाले हैं एनालिसिस ऑफ अ सिक्वेंशियल सर्किट विथ टी फ्लिप फ्लॉप। तो यहाँ पर जो सर्किट दिया हुआ है वो आप देख पा रहे होंगे, इसमें दो टी फ्लिप फ्लॉप है। अब ये टी फ्लिप फ्लॉप है, ये हमने कैसे आइडेंटिफाई किया? यहाँ पर टी लिखा हुआ रहेगा, ठीक है। ये पहले वाले टी फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट है ए और दूसरे वाले टी फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट है बी, है ना। तो टी फ्लिप फ्लॉप का जो आउटपुट होता है, अगर मान लो प्रेजेंट स्टेट का आउटपुट अभी ए टी से रिप्रेजेंट करे प्रेजेंट स्टेट, और नेक्स्ट स्टेट जब नेक्स्ट क्लॉक आएगी वो वाला अगर हम रिप्रेजेंट करें ए टी प्लस वन से, तो ए टी प्लस वन जो होता है वो होता है टी और ए टी का एग्जॉर, मतलब टी एग्जॉर ए टी, मतलब प्रीवियस स्टेट में जो आउटपुट था और टी की जो वैल्यू थी, टी की वैल्यू और प्रीवियस स्टेट में प्रीवियस स्टेट का जो आपका आउटपुट था वो, उन दोनों का एग्जॉर करने पर नेक्स्ट स्टेट का आपका आउटपुट आएगा, ठीक है। तो अब हम अगर हमको टी की वैल्यू मालूम पड़ जाए और हमको ए टी की वैल्यू मालूम हो तो आप ए टी प्लस वन मतलब नेक्स्ट स्टेट पता कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए कि सिमिलरली ये जो बी टी प्लस वन की वैल्यू क्या हो जाएगी, बी टी प्लस वन इज इक्वल टू, यहाँ पर हम इस टी को ना, बिकॉज ये ए फ्लिप फ्लॉप का टी है तो हम इसको टी ए से रिप्रेजेंट करते हैं। तो बी टी प्लस वन क्या हो जाएगा, टी बी, क्योंकि इसका जो ये टी रहेगा इसको हमने टी बी से रिप्रेजेंट किया है, क्योंकि ये बी वाले टी फ्लिप फ्लॉप का टी है। तो टी बी एग्जॉर बी एट द टाइम टी, मतलब जो आउटपुट की वैल्यू अभी प्रेजेंट स्टेट में है वो वाली वैल्यू, और टी की जो जब हमने क्लॉक दी है उस टाइम पर टी की वैल्यू, इन दोनों का एग्जॉर करने पर जो आंसर आता है वो नेक्स्ट स्टेट का आउटपुट होता है। ये टी फ्लिप फ्लॉप की कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है, ठीक है। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको यहाँ पर एक एंड गेट भी दिख रहा है, एक यहाँ पर भी एंड गेट दिख रहा है। तो यहाँ पर जो ए टी और बी टी, ये देखिए ये बी टी है, बी टी और ए टी यहाँ पर दोनों जाएंगे तो आपको आउटपुट मिलेगा ए टी इंटू बी टी। तो वाई इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, बिकॉज यहाँ से देखो ए टी आया, ए टी मतलब प्रेजेंट स्टेट आउटपुट, और एंड इसका ऑपरेशन प्रेजेंट स्टेट आउटपुट ऑफ बी फ्लिप फ्लॉप मतलब बी टी, ठीक है। ये वाई की वैल्यू हो गई। अब हमको अगर टी ए और टी बी की वैल्यू मालूम पड़ जाए, टी ए और टी बी की वैल्यू, टी ए की वैल्यू क्या होगी, ये टी ए है और ये टी बी है। टी ए मतलब ये एंड गेट का आउटपुट जा रहा है, और एंड गेट के इनपुट क्या है, एक इनपुट है एक्स और दूसरा इनपुट है आपका बी टी, है ना। तो ये बी टी गया, तो इन दोनों के बीच एंड मतलब एक्स बी टी, एक्स और बी टी के बीच एंड ऑपरेशन। तो टी ए की वैल्यू क्या आई आपकी, टी ए इज इक्वल टू एक्स एंड बी टी, राइट। इसी तरीके से टी बी की वैल्यू क्या आएगी, टी बी को आप ध्यान से देखिए, टी बी में सिंपल आपका जो एक्स इनपुट है ना वही जा रहा है, तो टी बी इज इक्वल टू एक्स है एग्जैक्टली। तो आपका जो बी टी प्लस वन होगा वहाँ पर टी बी की वैल्यू आप रखेंगे तो ये होगा एक्स एग्जॉर बी टी, मतलब बी टी और एक्स का अगर हम एग्जॉर कर दें तो हमको नेक्स्ट स्टेट ऑफ बी मालूम पड़ेगी, है ना। और यहाँ पर हम टी ए की जगह वैल्यू लिख देंगे एक्स बी टी, यहाँ पर टी ए की जगह क्या लिखेंगे, एक्स बी टी। तो एक्स बी टी और ए टी का एग्जॉर करने पर आपको ए टी प्लस वन वैल्यू मालूम पड़ेगी, ठीक है। तो अब हम ये इन इक्वेशंस को यहाँ पर लिखा है उसको हम देख लेते हैं। द नेक्स्ट स्टेट वैल्यूज इन द स्टेट टेबल कैन बी ऑब्टेंड बाई यूजिंग कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ द टी फ्लिप फ्लॉप। टी फ्लिप फ्लॉप की ये कैरेक्टरिस्टिक क्वेश्चन है कि अगर इसकी नेक्स्ट स्टेट आपको पता करनी हो, और ये आपकी प्रीवियस स्टेट है या प्रेजेंट स्टेट बोल सकते हैं आप, तो प्रेजेंट स्टेट में जो भी आपका आउटपुट आया है और टी का हम एग्जॉर करते हैं तो टी फ्लिप फ्लॉप की नेक्स्ट स्टेट मिलती है। यही बात मैंने आपको यहाँ पर बताई थी कि ए टी प्लस वन इज इक्वल टू टी ए एग्जॉर ए टी, है ना, मतलब प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटपुट ऑफ टी फ्लिप फ्लॉप इसका एग्जॉर करेंगे टी ए की वैल्यू के साथ, तो जो आपको आंसर आएगा वो आपका टी फ्लिप फ्लॉप का
नेक्स्ट स्टेट का आउटपुट होगा। तो इस इक्वेशन की हेल्प से आपका ए टी प्लस वन क्या हो जाएगा, आपने अभी ऊपर लिखा था टी ए एक्सॉर ए टी, और टी ए की वैल्यू लिख देंगे एक्स बी टी एक्सॉर ए टी। ये मैं ऊपर यहाँ पर बता चुकी हूँ, एक्सप्लेन कर चुकी हूँ यहाँ पर और यहाँ पर। तो हम इसको यहाँ पर फिर से लिख रहे हैं बी टी प्लस वन इज इक्वल टू टी बी एक्सॉर बी टी। बी टी मीन्स टी टाइम पर बी आउटपुट का वैल्यू, ठीक है, मतलब प्रेजेंट स्टेट ऑफ बी। और टी बी का वैल्यू आपने देखा एक्स है, तो एक्स एक्सॉर बी टी। तो हम क्या करेंगे, हमारी जो स्टेट टेबल बनाएंगे उसमें प्रेजेंट इनपुट में हमको ए टी और बी टी हमारे प्रेजेंट इनपुट रहेंगे, प्रेजेंट स्टेट के लिए ए टी और बी टी रहेगा। एक इनपुट का कॉलम रहेगा, एक्स हमारा एक इनपुट है ना। ये तीनों वैल्यूज़ आपको मालूम रहेगी क्योंकि तीन वेरिएबल है, तो तीन वैल्यूज़ के लिए डिफरेंट ऑप्शन हो जाएंगे, टू टू दी पावर थ्री मतलब एट ऑप्शन हो जाएंगे। इसके साथ में टी बी का वैल्यू तो आपका सीधा एक्स है, लेकिन टी ए का वैल्यू आपका होता है एक्स बी टी। तो आप एक कॉलम आपको एक्स बी टी बनाना पड़ेगा, उसके बाद आप एक्स बी टी और ए का एक्सॉर करने पर आपका ए टी प्लस वन आ जाएगा, मतलब नेक्स्ट स्टेट आ जाएगी। और बी और एक्स का एक्सॉर करने पर आपकी बी की नेक्स्ट स्टेट आएगी। तो अब हम स्टेट टेबल देख लेते हैं कि कैसे बनाई है। अब ये देखिए हमने स्टेट टेबल बनाई है। स्टेट टेबल में यहाँ पर प्रेजेंट स्टेट है, प्रेजेंट स्टेट मतलब ए और बी की प्रेजेंट स्टेट, जो कि हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं ए टी और बी टी से। और ये एक्स हमारा इनपुट है, तो हमारे टोटल तीन इनपुट हुए ए टी बी टी एंड एक्स। तो इसके हमने टोटल एट ऑप्शन लिख लिए हैं, 0 0 0 0 0 1 0 1 0 मतलब 0 1 2 3 4 से लेकर 1 1 1 मतलब 7 तक। तो ये टोटल एट ऑप्शन हो गए। उसके बाद हम एक एक्स्ट्रा कॉलम बनाएंगे एक्स बी टी का, क्योंकि हमारे टी ए की वैल्यू एक्स बी टी है, तो इसलिए हमको एक ये कॉलम यहाँ पर बीच में बनाना पड़ेगा। तो ये एक्स और बी टी के बीच एंड ऑपरेशन है, तो जहाँ पर एक्स की वैल्यू जीरो होगी वहाँ पर हमने सब जगह जीरो लिख दिया है, 0 0 0 0। और जहाँ पर बी टी की वैल्यू जीरो है वहाँ पर भी हमने 0 0 लिख दिया है। अब जहाँ पर एक्स और बी टी दोनों की वैल्यू वन है वहाँ पर एक्स बी टी की वैल्यू वन आएगी, तो ये दो जगह वन आई, ठीक है। अब एक्स बी टी वाला कॉलम एक्स बी टी और अब ए की जो नेक्स्ट स्टेट है मतलब ए टी प्लस वन, आप इक्वेशन को देखिए ए टी प्लस वन एक्स बी टी और ए टी के बीच एक्सॉर है, मतलब इन दोनों वैल्यूज के बीच एक्सॉर है। तो 0 0 का एक्सॉर 0 होता है, 0 0 का एक्सॉर 0 होता है, 0 0 का एक्सॉर 0 होता है, 0 1 का एक्सॉर 1 होता है, 1 1 1 0 का एक्सॉर 1 होता है, 1 0 का एक्सॉर 1 होता है, 1 0 का एक्सॉर 1 होता है, और 1 1 का एक्सॉर 0 होता है। तो इस तरह से आपने ए टी प्लस 1 एंटर कर दिया। अब हम बी टी प्लस 1 एंटर करने के लिए क्या करेंगे, एक्स और बी टी के बीच एक्सॉर देखेंगे इन दोनों के बीच, क्योंकि आपने देखना इक्वेशन आपने लिखी है बी टी प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स एक्सॉर बी टी। तो इन दोनों के बीच एक्सॉर 0 0 का एक्सॉर होता है 0 0 1 का एक्सॉर होता है 1 1 0 का एक्सॉर होता है 1। ये आपको एक्सॉर ऑपरेशन पता होनी चाहिए कि जब एक 1 हो और एक 0 हो तब आउटपुट 1 होता है, और जब दोनों सेम हो तब आउटपुट 0 होता है एक्सॉर गेट का। तो 1 1 है तो 0, 0 0 है तो 0, 0 1 है तो 1, 1 0 है तो ये 1 0 है तो 1, और 1 1 है तो 0। तो इस तरह से आपकी नेक्स्ट स्टेट आ गई, मतलब ए टी प्लस 1 और बी टी प्लस 1 आ गया, है ना। और y आप किस तरह से निकालेंगे, y की इक्वेशन क्या है आप सर्किट डायग्राम में देखना, y इज इक्वल टू ए टी इंटू बी टी है, मतलब ए टी और बी टी के बीच एंड ऑपरेशन है। तो ए टी और बी टी के बीच आप इन दोनों के बीच एंड देख लें, है ना। तो एंड में जब एक दोनों वन होंगे तभी आउटपुट वन मिलेगा, ए टी और बी टी दोनों की वैल्यू वन होगी तभी आउटपुट वन मिलेगा। तो यहाँ पर जब भी जीरो होगा तो आउटपुट जीरो मिलेगा, मतलब ये पहले केस में 0 0 0 0 आने वाला है। सिर्फ ये लास्ट के जो दो
ऑप्शन है ना, इसमें एटी और बीटी का वैल्यू वन है, इसके कारण आपके वाई का वैल्यू वन आएगा, बाकी रेस्ट ऑफ द केसेस में जीरो आएगा। तो अब हम इसकी इस स्टेट टेबल बन गई है। अब स्टेट टेबल का हम स्टेट डायग्राम बनाते हैं। तो स्टेट डायग्राम बनाने के लिए आपने क्या करना होता है, आपने स्टेट बनानी होती है सर्कल के अंदर। तो जीरो जीरो से रिप्रेजेंट की है, नेक्स्ट स्टेट आपने और स्टेट आपकी जीरो जीरो से प्रेजेंट स्टेट, फिर आपकी ये वाली स्टेट 01 से, जो भी स्टेट आपकी होती है वो आप सर्कल से रिप्रेजेंट करेंगे। तो आपकी स्टेट्स या तो 00 होती है, या 01 होती है, या 10 होती है, या 11 होती है। ये चारों स्टेट आपने चार सर्कल से रिप्रेजेंट कर दी, ये वाले सर्कल, राइट। यहाँ पे हमने अपनी स्टेट्स लिख दी हैं, जो भी पॉसिबल स्टेट्स हमारे हो सकती है। अब उसके बाद आप सर्किट में देखिए कि जब x की वैल्यू 0 होती है, जो पहला वाला ऑप्शन है, पहला वाला वेरिएबल है वो x होता है, और ऑब्लिक के बाद दूसरा वेरिएबल होता है वो y होता है ना। तो जब x की वैल्यू 1 हो, प्रेजेंट स्टेट आपकी 0 0 हो और x की वैल्यू 1 हो, तो आपकी नेक्स्ट स्टेट 01 होती है। देखिए प्रेजेंट स्टेट आपकी क्या है, 0 0, और x की वैल्यू 1 हो, x की वैल्यू 1 हो तो आपकी नेक्स्ट स्टेट क्या आई है, ये सेकंड रो देखना है, 01 आई है। और जब 0 0 है और x की वैल्यू 0 है तो आपकी प्रेजेंट स्टेट 0 0 है और x की वैल्यू 0 है, तो आपकी प्रेजेंट स्टेट ही आपकी नेक्स्ट स्टेट आ रही है, 0 0, चेंज नहीं हो रही है। तो यहाँ पर आपने क्या किया है, 0 0 पर ही ये लूप बनाया है। ये देखिए वहीं के वहीं, मतलब x की वैल्यू 0 है तो आपकी प्रेजेंट स्टेट 0 0 हो तो नेक्स्ट स्टेट भी 0 0 होती है, और y की वैल्यू भी 0 होती है। आप y के कॉलम में देख लेना, स्टार्टिंग की 6 रोज में 0 ही वैल्यू आई है, और 1x रखने पर भी y की वैल्यू 0 ही आ रही है, लेकिन 0 0 पर प्रेजेंट स्टेट हो तो x की वैल्यू 1 होने पर नेक्स्ट स्टेट 01 होती है, ठीक है। इसी तरीके से आप 01 स्टेट में देख लें, 01 स्टेट में x की वैल्यू 0 रखते हैं तो हमारी नेक्स्ट स्टेट 01 ही आती है, इसलिए हमने यहीं पर लूप बनाया है। लेकिन अगर x की वैल्यू 1 हो तो हमारी नेक्स्ट स्टेट 01 से 10 हो जाती है, लेकिन दोनों ही केस में y की वैल्यू फिर से 0 आती है, इसलिए यहाँ पर ये y की, ये x की वैल्यू और ये y की वैल्यू, ये इनपुट होता है और ये आउटपुट होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट 10 स्टेट हो, 10 स्टेट हो और x की वैल्यू 0 हो तो नेक्स्ट स्टेट प्रेजेंट स्टेट 10 हो और x की वैल्यू 0 हो तो आपकी नेक्स्ट स्टेट भी 10 ही होती है। तो यहीं पे लूप बना दिया है ये वाला, x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू भी आपकी 0 आती है ना, क्योंकि y की वैल्यू क्या है आपकी, जो एटी बीटी के बीच एंड, इन दोनों के बीच एंड करेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। अब अगर 10 हो आपकी प्रेजेंट स्टेट और x की वैल्यू 1 हो तो आपकी नेक्स्ट स्टेट आती है 11, तो ये नेक्स्ट स्टेट 11, और यहाँ पर y की वैल्यू 0 आएगी, और 11 अगर आपकी प्रेजेंट स्टेट है और x की वैल्यू आपकी 0 है, x की वैल्यू 0 है तो आपकी नेक्स्ट स्टेट 11 ही रहती है, और जब प्रेजेंट स्टेट 11 हो और नेक्स्ट स्टेट आपको निकालनी हो अगर x की वैल्यू 1 हो तो आपकी नेक्स्ट स्टेट आती है 0 0, है ना, और आपके भाई की वैल्यू इन दोनों के बीच एंड करेंगे तो 1 आएगा। तो ये x की वैल्यू है और ये भाई की वैल्यू है। ये जो स्टेट डायग्राम है ये हम स्टेट टेबल देखकर बनाते हैं। तो आपने ये जो स्टेट टेबल है ना, इसमें यहाँ पर प्रेजेंट स्टेट दी हुई है, ये हमने सारी लिखी हुई है यहाँ पर प्रेजेंट स्टेट, ये रही प्रेजेंट स्टेट और नेक्स्ट स्टेट। तो प्रेजेंट स्टेट से x की वैल्यू के हिसाब से आप नेक्स्ट स्टेट में जाना है, ठीक है, और y की वैल्यू लिख देनी है x के स्लैश में। तो इस तरह से आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जब हम प्रेजेंट स्टेट आपकी 0 0 हो और x की वैल्यू 0 हो, मतलब एक्चुअली ये काउंटर है कि कुछ काउंटिंग में इनपुट नहीं आया है तो आपकी नेक्स्ट स्टेट भी 0 0 ही हो गई, लेकिन अगर x की वैल्यू 1 हो तो इसमें 1 ऐड हो जाता है, तो 0 0 में 1 ऐड करते हैं तो 0 1 आता है। मतलब इसने, ये जो सर्किट है ये बाइनरी काउंटर जैसा बिहेवियर किया है। जब x की वैल्यू 1 होती है तो एक 1 ऐड हो जाता है, 0 1। अब यहाँ पर 0 1 में भी अगर x की वैल्यू 1 हो तो इसमें 1 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 10, तो नेक्स्ट स्टेट होती है 10, देखो, है ना। लेकिन अगर x की वैल्यू 0 हो, प्रेजेंट स्टेट 10 हो और x की वैल्यू 0 हो, तो कोई भी काउंटिंग नहीं हुई, 10 ही रहा,
लेकिन x की वैल्यू अगर 1 हो जाती है तो इसकी नेक्स्ट स्टेट हो जाती है 1 1, मतलब आप 2 से 3 पे गए, है ना, तो काउंटर हुआ ना, एक x की वैल्यू आई तो 0 से 1, फिर नेक्स्ट x दिया आपने, मतलब 1 दिया तो आपका एक और बढ़ा, 1 से 2 पे आए, फिर 2 पर x की वैल्यू 1 दी तो ये 3 पे आए, और 3 के बाद ये फिर से 0 0 पे चला जाता है, ठीक है, तो ये 3 के बाद x की वैल्यू 1 हो तो ये अगेन 0 0 पे आ जाएगा। तो ये बाइनरी काउंटर का बेसिकली सर्किट है। तो यहाँ पर क्या हुआ है कि y की वैल्यू 1 सिर्फ तभी आती है जब आपके at और bt, मतलब आपकी प्रेजेंट स्टेट दोनों अगर 1 1 हो, a और b दोनों की वैल्यू 1 1 हो, तभी आपका आउटपुट 1 आ रहा है। देखो यहाँ दोनों केस में, यहाँ पर x की वैल्यू 0 हो तो भी 1 आ रहा है, x की वैल्यू 1 हो तो भी आ रहा है, मतलब y इज़ नॉट डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ x, y इज़ जस्ट डिपेंडिंग ऑन द वैल्यूज ऑफ योर प्रेजेंट स्टेट। तो इन सारी प्रेजेंट स्टेट्स में आपके y की वैल्यू 0 आ रही है, सिर्फ इसी में y की वैल्यू 1 आ रही है। तो ये बाइनरी काउंटर का आपका स्टेट डायग्राम बताता है कि ये बाइनरी काउंटर है गिवन सर्किट। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। इफ यू आर लाइकिंग अवर एक्सप्लेनेशंस देन प्लीज़ सब्सक्राइब अवर वीडियो एंड योर सब्सक्रिप्शन गिव्स अस मोटिवेशन टू मेक मोर वीडियोज़। थैंक यू वंस अगेन फॉर वॉचिंग द वीडियो।